चलिए देखते हैं वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। 16 जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखते हैं। 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो 8 बार भाग जाएगा, फिर 2 से 8 का भाग, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। कुल गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 2 बार 4 बार। अब वर्गमूल के लिए 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 और 2, 4, ये आ गया आपका वर्गमूल 4। इसी तरह से घनमूल के लिए भी संख्या, दी गई संख्या को छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। यहां 2 से देखते हैं, चूंकि इकाई अंक 7 है जो कि 2 से विभाजित नहीं होता, अतः हम इसे 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 9 को तो 3 बार जाएगा, फिर 3 को भाग देंगे 3 से तो 1 बार जाएगा। यहाँ पे 27 को कितने बार विभाजित किए हैं 3 से, 1, 2, 3, यहाँ लिख लेंगे गुणनखंड 3, 3, 3, 3 बार। अब वर्गमूल के लिए 2-2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल के लिए 3-3 के जोड़े बनाएंगे। 3 संख्या एक सी होना चाहिए, यहाँ 3-3 बार है, यहाँ 1 जोड़ा बन जाएगा, इसलिए इस जोड़े को यहाँ 1 बार लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 27 का घनमूल हो गया 3। इस तरह से ये घनमूल हमें प्राप्त हो गया।